हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आपका स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज मैं आया हुआ हूँ आगरा के सिकंदरा। अगर आप इधर देखेंगे तो अकबर टॉम कहते हैं इसको, पर उससे वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ आना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये एक कम देखी हुई जगह है। कांच महल कहते हैं इसको। यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, उधर भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ कांच महल का बोर्ड लगा है, उधर ये सामने एक और एंट्रेंस गेट है इधर सिकंदरा के लिए। इधर गेट से हमने एंट्री करी है, उधर हमारा टिकट चेक हुआ, टिकट काउंटर वहाँ है, वहीं से आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। मैंने बाइक भी वहीं पार्किंग में लगाई है। तो अभी हम इधर चल के देखते हैं कि व्हाट इज देयर। इसकी दीवारों पे काफ़ी डिज़ाइंस बने हैं, एक सुराही का डिज़ाइन है, ऐसे ही और भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं। ये ऊपर जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ना, ये एक महंगा एक क्या कहें जैम है, जो जब पूर्णिमा की रात होती है उस टाइम पे ये चमकता है, लाइट एमिट करता है। दोस्तों ये एक गेस्ट हाउस था जहांगीर के लिए। जहांगीर यहाँ आके आराम किया करते थे एंड यहीं पे वो ड्रिंक वगैरह किया करते थे। वही रेड मार्बल, थोड़ा सा रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल का थोड़ा सा मिक्सचर है, जो मुग़ल की हर इमारत में दिखाई देता है। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, जस्ट यही है। कहा जाता है जाट राजाओं ने यहाँ हमला किया था, इसको हार्म पहुँचाया था। ये चौकी जी हराम कर रहे हैं। वहीं इसके बैक साइड में देखेंगे तो बस सीमेंटेड है और कुछ खास नहीं है, उसी साइड से था जो था। इधर लोधी महल है, लौटते में इधर चलेंगे अपन। अब अपन बढ़ लिए मेन टॉम की तरफ। आज छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है, तो उस वजह से भीड़ काफ़ी है यहाँ पे कंपैरेटिवली। बाकी मॉन्यूमेंट्स पे से काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है ताजमहल और रेड फोर्ट पे, बट यहाँ के हिसाब से ज़्यादा है भीड़। आ गए हम मेन एंट्रेंस गेट के सामने। ये आप देख सकते हैं मार्बल की मीनारें हैं, जैसी ताजमहल में हैं कुछ उस तरीके की हैं। और इस तरीके के गेट आपने मुग़ल के हर जो आर्किटेक्चर हैं वहाँ देखे होंगे, लगभग सिमिलर से, चाहे ताजमहल हो, चाहे दिल्ली का कोई गेट हो, उसमें आपको कुछ इसी तरह के का वर्क दिखाई देगा। अब थोड़ा आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये अकबर टॉम है, यानी कि इसके अंदर दफन है हमारे शहनशाह अकबर, मुग़ल एम्परर अकबर। एंड उन्होंने ये जीते जी बनवाया था, अपने सामने बनवाया था, उनकी इच्छा थी यहाँ ही दफन होना है उन्हें, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था इस चीज़ को। यहाँ से एग्जैक्टली हम लोग मिडिल में खड़े हुए हैं एंड यहाँ से एकदम सीधा सीधा सामने है अकबर का जो मकबरा है। वो ये गेट बनाया इसलिए गया था, जो भी आए सर झुका के आए उनको नमन करता हुआ आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड जो सैंडस्टोन है और मार्बल है, दोनों का ही वर्क दिखाई देता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके बारे में। ये कहता है अकबर टॉम सिकंदरा 1605 से 1612 तक ये बना था। द ग्रेटेस्ट रूलर इन मुगल डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनका टॉम्ब है ये, सिचुएटेड इन सिकंदरा। सन ऑफ हुमायूं हैं, ग्रैंड सन ऑफ बाबर हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन हैं, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके।
डिसेबल्ड के लिए है। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है ना, एंड अंदर से गेट ऐसा ही दिख रहा है, ये सब बाहर से है लगभग वैसा ही है। इधर आप देखेंगे ना चारों तरफ ये बड़े बड़े गार्डन हैं, कहा जाता है ये 25-25 एकड़ का एक गार्डन है, और बाकी का ये जो स्ट्रक्चर बना है 19 एकड़ जगह इसने घेरी हुई है, तो ये लगभग 119 एकड़ का है। पीछे ये गेट है मेरे दोस्तों, मुझे याद है हम लोग बचपन में यहाँ आते थे तो यहाँ पर आपको कई सारे एनिमल्स हैं वो दिखाई देते थे, जैसे हिरन था यहाँ पे, लंगूर था, बंदर था, सब लोग गायब हो गए। काफ़ी सुनसान सा हो गया है, जबकि मुग़ल एरा के टाइम में यहाँ पे गार्डनिंग होती थी रोजेस की, रोजेस को यहाँ गार्डन किया जाता था इधर और इधर हर तरफ जहाँ भी आपको दिख रहा है। ये यहाँ तक नहीं है, बहुत दूर तक है। इसके अलावा ये जो सिकंदरा वाला जगह है, इसको सिकंदरा क्यों कहते हैं, इसको सिकंदरा कहते हैं सिकंदर लोधी की वजह से। तो पहले यहाँ सिकंदर लोधी आया था, उसने यहाँ सिकंदरा गांव बसाया, एंड सिकंदर लोधी का हमने बाहर अभी एक जो टेम्प्रेरी टॉम बनाया गया था वो अभी देखेंगे लौटते में। तो सिकंदर लोधी यहाँ आया, उसकी वजह से इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। सिकंदरा गाँव है ये, और वैसे ही अकबर टॉम है, इसकी लोकेशन सिकंदरा है ये। अब जैसे हम बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें एक ये पूल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इसमें पहले बॉडी को दफन करने से पहले नहलाया जाता था, रोजेज जो गार्डन में होते थे उसके पानी से, एंड देन उसको दफन किया जाता था। ऊपर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं राजस्थानी आर्किटेक्चर की निशानी। एंड उस तरफ देखेंगे तो जैसा गेट हमने एंट्री के टाइम पे देखा था वैसा ही एक गेट वहाँ है, और एक पीछे की तरफ है। ये चारों साइड से सेम है डिज़ाइन में। इसके अलावा अकबर के बारे में होगी कि अकबर की एक वाइफ थी जोधा, जो राजस्थानी राजपूत थी, तो ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उसी का एक साइन है। इसको बनाया गया था एक जो क्या कहें ग्रेवयार्ड के तौर पे, यानी कि इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था अकबर ने सोचकर कि इसको हम परमानेंट ग्रेवयार्ड बना देंगे मुग़लों का, तो सारे मुग़ल यहीं दफन होंगे, जो कि हो नहीं पाया। एंड यहाँ पर लेकिन अकबर की दो बेटियाँ दफन हैं, एक औरंगज़ेब की बेटी यहाँ दफन है और उनके बच्चे यहाँ। तो चलिए थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी अभी इस प्लेस से जुड़ी एक चीज़ मुझे याद आई
रिसेंटली मैंने अभी ताज वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें एक सीन हुआ था अकबर की डेथ हो गई थी एंड वो क्या नाम था उसके बेटे का यार, क्या नाम था पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अकबर की डेथ हो गई थी और सलीम के बेटे ने हमला बोल दिया था सलीम के ऊपर, मेरे ख्याल से खुर्रम ने, है ना। खुर्रम और खुसरो दो थे, खुसरो या खुर्रम ऐसे कोई एक, मतलब बहुत मन से आया था यहाँ वीडियो बनाने पर अब मन नहीं कर रहा, जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ बस वही कपल्स फन कर रहे हैं। ये वो गेट है जो तहस नहस कर दिया था राजस्थान के जाट राजाओं ने। इस साइड कुछ जाता नहीं है, घूम के फिर से मेन एंट्रेंस वाले गेट की तरफ आ गए हैं। इस साइड से ये व्यू है एंड इस साइड से इधर एक और गेट है, सामने की तरफ कब्रें हैं, साइडों में गार्डन्स हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। एंड हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, और अगर आप हिस्ट्री में वाकई इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते हैं अबाउट हिस्ट्री, तो ही आप सिकंदरा जैसी जगह पर आएँ, एल्स यहाँ पर आना आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा। या फिर आप अगर नेचर को एंजॉय करते हैं, पेड़ पौधे गार्डन्स आपको पसंद हैं, ये खुली हवा आपको पसंद है, देन इन दैट केस आप आ सकते हैं। बाकी क्राउड यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा मतलब है कपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा उस हिसाब से ठीक नहीं है। एंड कुछ खास स्टोरीज या महत्व नहीं है इस जगह का, जिस तरह से ताजमहल का है या आगरा फोर्ट का है या फतेहपुर सीकरी का है। बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ हुमायूं स्टॉम जो मैंने दिल्ली में देखा था, तो उसका लेवल अलग है, उसको आप ताजमहल के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, वो वाकई बहुत सुंदर बना हुआ है। ये अपने आप में ठीक है, इन्हीं के ही फादर थे हुमायूं, ये अकबर हैं तो बाप बाप होता है। दोस्तों अभी तक जाना हमने अकबर के बारे में, अब हम जानेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी वही शख्स है जिसका लोधी गार्डन में हमने टॉम्ब देखा है, जो लोधी गार्डन दिल्ली में दफन है। इस जगह को सिकंदरा इन्हीं सिकंदर लोधी की वजह से बुलाया जाता है। यह स्ट्रक्चर लोधी के द्वारा बनवाया गया था, सिकंदर लोधी। काफी डैमेज्ड है यह स्ट्रक्चर जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से लोधी डायनेस्टी का ये इकलौता स्ट्रक्चर होगा आगरा में, ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है आगरा में लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड, यहाँ सिर्फ मुग़ल एरा के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये इकलौता स्ट्रक्चर है लोधी डायनेस्टी का, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एग्जिट करते हैं।